We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship. We groom competent global citizens to effect positive change around them. थाना तिहार के संगी चौकी के इलाके में एक मनोहर नाम का लड़का जिसकी उम्र 28 साल थी, ये 6 तारीख से अपने घर से मिसिंग था। 8 तारीख को संगी चौकी में थाना तिहार में इसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई और तुरंत ही हमने सर्च एंड रेस्क्यू टीम गठित करके इसकी खोज शुरू की। उसी के परिणामस्वरूप 9 तारीख को हमें इसकी नाले में कंसील्ड की हुई डेड बॉडी बरामद हुई और हमने 302 IPC के तहत हत्याकांड में मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के उपरांत RFSL की टीम हमने स्पॉट पे बुलाई और उसने बहुत ही महीनता से सारे साक्ष्यों को बुलाया। इसके बाद हमने इस केस में एक शब्बीर नामक युवक की गिरफ्तारी की और 2 माइनर लड़कियों को भी हमने डिटेन किया जिनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ के आधार पर ही हमने आज 13 तारीख को 2 और अरेस्ट इसमें किए, जो एक मुसाफिर हुसैन और फरीदा नाम के पति पत्नी हैं उनको भी अरेस्ट किया है, जो कि माइनर लड़की के चाचा चाची। तो मामले में अन्वेषण लगातार जारी है। FSL की टीम ने फिर से विजिट किया है स्पॉट को और उन्होंने कुछ ज़रूरी साक्ष्य वहाँ से जुटाए हैं और कोशिश यही हमारी कि इन्वेस्टिगेशन स्पीडली हो और इम्पार्शल तरीके से और हम एक प्रॉपर और पुख्ता केस बना के कोर्ट में भेजें और ये भी कोशिश की जा रही है कि पूछताछ के आधार पर आगे भी अगर हमें ऐसा प्रतीत होगा कि किसी भी इस केस में किसी भी प्रकार से किसी भी कोई भी रोल प्ले किया हो किसी अक्यूज में किसी का नाम आगे भी सामने आता तो उसकी गिरफ्तारी नियमानुसार की जाएगी। अभी तक जो कारण हत्या का समझ में आया है वो यही है कि जो मृतक है और जो माइनर लड़की है इनके बीच में आपस में प्रेम संबंध था और जिसकी वजह से कुछ समय से इस मामले में तनाव चल रहा था और घटना वाले दिन भी इसी कारण से मृतक और लड़की के परिवार वालों के बीच में वाद विवाद हुआ, जो वाद विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया और उसी के बाद घटना का अंजाम दिया। SIT इस केस को बिल्कुल प्रायोरिटी पर इन्वेस्टिगेट करेगा और जल्दी से जल्दी इस केस को फाइनल करती है। एक आगे से इस मामले में कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुई हैं जो कि देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब पोस्टमार्टम बॉडी का कंडक्ट किया गया उस वक्त ये फोटोग्राफ्स ली हैं और हमने छानबीन करने की कोशिश की कि फोटोग्राफ्स कैसे वायरल हुए और किसने किए। उसमें हमने कुछ संदिग्धों को आइडेंटिफाई किया है, उनको हमने डिटेन भी किया, हिरासत में भी लिया, उनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ के आधार पर इसमें जो भी ज़रूरी लीगल एक्शन है और इसमें अगर हमें लगेगा कि FIR। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तेनु रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका, ऑनलाइन ऑडिशन शुरू। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए लॉग इन करें दिव्य हिमाचल की वेबसाइट www.divyhimachal.com पर। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज़ पेज।